हेलो दोस्तों, शडी मोड में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा, जो एग्जाम बिहार एक्साइज कॉन्स्टेबल का 29 जनवरी 2023 को होने वाला है। लाखों अभ्यर्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब आपके पास कुछ लिमिटेड समय बचा हुआ है, इस लिमिटेड समय का स्ट्रेटजी आपके पास क्या होना चाहिए, कैसे ये समय को आप यूटिलाइज कीजिएगा, अपना स्कोर को इनहेंस कीजिएगा, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो छोटा से होगा बट आप ध्यान से देखिएगा, वैसा कुछ चीज मैं बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में होता है, आप लोग अभी उसका तैयारी कर लो। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सभी, मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी लिख चुका हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आता है सब चीज यहाँ पर लिखा हूँ, क्योंकि काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर अब कम समय बचा हुआ है, बस यही लग रहा है कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़े, इतना पढ़ने के लिए ढेरों सारे बुक है, क्या करें। सबसे पहले ये जो बुक का ढेर होता है ना, उसे किनारे कीजिए। सवाल है कि आप कैसे पढ़ते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन क्लास का सहारा लेते हैं, तो वो भी तो एक पढ़ाई हुआ ना, उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हैं, क्या आप क्वेश्चन करते समय लिखते हैं, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो आया तो वो तो सही है, यानी कि आने में भी तुक्का होता है, जैसे कि 50-50 होता है, उसको भी लिखना होता है, और जो नहीं आया उसको भी लिखना होता है। ध्यान में रखिएगा ये बात, मेरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो एकदम आ जाता है एक ही बार में कि मुझे पता है ये चीज़, उसे मत लिखिए, क्योंकि वो तो पहले से आपको पता है ना। अब ये है कि 100 क्वेश्चन का अगर मैंने सेट लगाया, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो 30 क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन उसमें से 50-50 है कि मुझे लगा दिए सही हो गया, तो उसे भी आपको लिखना होता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको जोड़ना होता है। अभी क्या समय है वो सब करने के लिए, तो हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। अगर पहले से कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर आ रहे हैं तो उस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर लगता है कि वो सही है, अगर नहीं है तो मैं जो दे रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। देखिए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, फेसबुक से पढ़िए, व्हाट्सएप से पढ़िए, टेलीग्राम से पढ़िए, पढ़ तो रहे हैं ना, ये नहीं कि सिर्फ देख कर सो जाना है। क्या होता है ना कि बहुत लोग देखते देखते यूट्यूब सो जाते हैं, तो वो पढ़ाई नहीं होता है, सो गए तो वो दिमाग में चलने लगता है, फिर वो सपना भी दिखाई देने लगता है पढ़ाई वाला ही, और वो लोग भूल जाते हैं, सपना तो जल्दी ही भूल जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है कि आपको अभी करना क्या चाहिए, कौन सा स्ट्रेटजी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सो मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ये होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले से तो कुछ तो पढ़े होंगे, या पहले से कुछ तो पढ़ते आए होंगे, या जो मैं सेट कराता हूँ, जो क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी तो करते आए होंगे। देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल होगा ये 10th स्तर का होगा। आप लोग बहुत ये बार बार ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा, ये आएगा, वो जो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम लेता है वो 12th लेवल पर लेता है। ये बिहार एक्साइज कॉन्स्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार होमगार्ड के एग्जाम जो होते हैं ये आसान लेवल पर होते हैं, ये 10th लेवल पर होते हैं, और इसके स्ट्रेटजी आपको फॉलो कर 85+ स्कोर आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ सभी चीज़, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम हॉल में कैसे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ आपको करना है कि एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बैठा होगा कि 2 घंटा समय मिलेगा, एकदम रगड़ कर मार देंगे और निकल लेंगे। ठीक, 10 क्वेश्चन मैथ का भी है, इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको समय देना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन विज्ञान का जिसमें सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा, यानी कि 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक साइंस के भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी अभी क्लियर होना चाहिए, आपके पास 120 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो सबसे पहले दिमाग में यही डालो कि 100 में 100 क्वेश्चन करना है, आए चाहे नहीं आए 100 में 100 क्वेश्चन करना है। आपके पास क्वेश्चन तीन टाइप के मिलेंगे, टीम टाइप का क्वेश्चन करने का मतलब कि एक बार में देखें आंसर लगा दिए मुझे आ रहा है, उसे क्या करना, सबसे पहले खत्म कर लेना, मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो, उसे एक बार में खत्म कर लेना। ठीक, अब जब चलना तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ उसे ही खत्म करना, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि इसमें तो 10 ही मैथ आते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, मिक्स क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से जब स्टार्ट करोगे तो ये नहीं कि पहले विज्ञान आएगा फिर आपको समान अध्ययन का या बिहार स्पेशल या करंट अफेयर, ऐसा नहीं, मिक्स क्वेश्चन आता है। तो आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया ना, तो जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन का एक आंसर सी आ गया आपके दिमाग में एकदम इंस्टेंट, किए तो मैं तो पढ़ा हूं, सी लगा दो, सी लगाकर बढ़ जाओ। ठीक, बढ़ जाओ आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तो आ ही नहीं रहा है साफ, तो अब क्या करो, जब नहीं आ रहा है तो उसे गोला घेर दो, क्या कर दो, गोला घेर दो, जो आ रहा है उस पर आंसर पर टिक लगा दो, जो नहीं आ रहा है उसको गोला घेर दो। अच्छा, 50-50 आ रहा है, यानी कि मुझे मतलब कि आ भी रहा है थोड़ा, अभी याद नहीं आ रहा है, मे भी बन सकता है दूसरा बार या तीसरा बार मैं देखूं इसे सवाल को, तो उसे क्रॉस कर दो, मतलब कि जो भी आपको इंडिकेटर वाला चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको लगेगा कि अरे यार इतना कौन मेहनत करेगा, ये जो होता है ना ये पिन पॉइंट स्ट्रेटजी होता है, जब पेपर 2-3 बार आप देखते हो ना तो इसमें काफ़ी समय बीत जाते हैं, लेकिन अब जब क्रॉस किए रहोगे गलत करोगे नहीं ये तो, और ध्यान रखना 50-50 में ये भी आप कर सकते हो कि कौन सा 2 आंसर आपको लग रहा है कि सही होगा उस दोनों को क्रॉस कर दो। रंगते समय इस बात को ध्यान में रखना कि जो क्रॉस किए हो उसमें 50-50 दो ऑप्शन जो क्रॉस किए हो उसी में से एक ऑप्शन आपको छाट कर रंगना है, यह ध्यान में रखना। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको लास्ट में एकदम बढ़िया से गोला करो। ठीक,
बढ़िया से गोला करो, उसके मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल बिहार फायरमैन में तुक्काबाजी कैसे किए जाते हैं, यानी कि तुक्काबाजी करने से आपको 5-6 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बोर्ड पर बनाऊंगा, डिजिटल बोर्ड पर, तब समझाऊंगा, तब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि दिमाग कैसे लगाया जाता है। ठीक, अब यहां पर यह होगा कि आपके पास 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन भी अलग अलग जैसे कि सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। हम आपको बार बार ये बोलते हैं कि साइंस के क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन जैसे ही बढ़ाता है आपका लेवल पेपर बढ़ जाता है, साइंस का क्वेश्चन जैसे ही घटाता है पेपर घट जाता है। रिसेंट समय में अगर देखा जाए तो 25 से 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं, जो 10th वाला एग्जाम हो रहा है, कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो आपको विविध में भी आ जाते हैं साइंस का, तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस का क्वेश्चन बढ़ेगा तो हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन बढ़, मतलब साइंस का क्वेश्चन घटेगा तो इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 10-10 हो जाएंगे, अगर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन मिलाकर 15 आ रहे हैं तो साइंस का क्वेश्चन 30 हो जाते हैं, ये एक ध्यान में रखना होगा। अगर आप पेपर एनालिसिस करते होंगे, ये एग्जाम देते होंगे, तो समझ में आता होगा आपको। ठीक, मैं 5 बार बिहार पुलिस का पेपर निकाल चुका, बिहार पुलिस के 3 बार पेपर निकाल चुका हूं, यानी बिहार पुलिस कहने का मतलब कि जो कॉन्स्टेबल वाला एग्जाम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक, और फिर हम क्योंकि एक बार सबसे पहला जो एग्जाम आया था 9900 पद पर जो 2017 में आया था, फिर उसके बाद वाला जो एग्जाम हुआ, फिर तीसरा एग्जाम जो अभी हुआ है उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा फिजिकल का एडमिट कार्ड कि मेरा फिजिकल कब था, आप चौंक जाइएगा। ठीक, क्योंकि मैं फिजिकल देने नहीं गया था लेकिन गया नहीं था क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। ठीक, अब फिर मैंने फॉरेस्ट गार्ड का निकाला हूं, मतलब फाइनल। ठीक, फिर आपको ये एक्साइज कांस्टेबल का फायरमैन के एग्जाम निकाला हूं, एक्साइज कांस्टेबल में नहीं बैठा इसलिए कि भाई सीट कम है, एक सीट मतलब ये करने से क्या ही मतलब बनता है। ठीक, बाकी आप लोग भूलिएगा तो मैं बैठ सकता हूँ और फिर उसे भी निकाल कर दिखा सकता हूँ, आप लोगों के डिपेंड कर रहा है कि एक सीट आपका मैं खा जाऊँ या मतलब फिजिकल में किसी और का मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये बनता है कि क्या आपको अभी करना चाहिए साइंस के लिए। साइंस के लिए देखिए, आपको अभी मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे समय आपको देना पड़ेगा। ठीक, 2 घंटे तो कम से कम आपको समय देना पड़ेगा, यूट्यूब पर दे रहे हो तो यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी यूट्यूब ये नहीं कि 2 घंटा हम वीडियो देख रहे हैं, नहीं, जो नहीं आ रहा है उसे लिखो, क्योंकि जो नहीं आ रहा है वो दिमाग से निकल जाता है, उसे लिखो, वही तो पढ़ना है, जो आ रहा है उसे थोड़े ना पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है उसे पढ़ना है, तो उसे लिखो, क्वेश्चन लिख लो, डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो 100 क्वेश्चन लिख लो जो नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन कहीं से कर रहे हो तो। मैं तो खुद ही क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन सेट कर रहा हूं आप लोग देखकर खुश हो जाइएगा। ठीक, और जो अगर पेड ग्रुप जो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अगर आपके पास 200 रुपया होगा फी पे करने के लिए, तो वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि आगे करना है बहुत चीज़, आप लोगों के लिए बहुत काम करना है, और उसमें आप जानते हैं कि अकेले कुछ कर नहीं सकते, उतना पैसा अकेले मैं कहाँ से लगाऊंगा, मतलब कि आप समझ रहे हो ना, तो सपोर्ट चाहिए, और कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए टेक्निकल टीम होता है, टीचर होते हैं, मैं अकेले कितना आपको पढ़ा पाऊंगा। अभी जब पटना से आया तो मेरा मतलब ठंड लग गया है, गला में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अभी पटना में आंदोलन भी होने वाला है, पूरा सपोर्ट है, क्योंकि जो पेपर लीक होता है उस पर आपको चढ़कर आंदोलन में भाग लेना चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। मुझे क्या लगता है कि आप लोग गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, मुझे डायरेक्शन आपको समझाना होगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन आसान होता है और आप अच्छे से कर सकते हो, एक बार ध्यान में रखना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये 15-15 मिनट भी डेली पढ़ते हो ना तो आराम से कर लोगे। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। बायोलॉजी है, इस पर ध्यान दो, फिजिक्स पर ध्यान दो, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछ देते, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देते हैं, या आपको पूछ देते कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो आप लोग एकदम होपलेस हो जाते हो, कैसे मैं करूं। बहुत सिंपल तरीका से ट्रिक मैं बताऊंगा कि एकदम एक ही बार में आप ज्ञात कर लोगे। ठीक, मैं आपको आ गया हूं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, मास्टर वीडियो में भी जब मैं कराऊंगा, जब मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए आएगा तो एकदम आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। मैथ के लिए टीचर जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, मैथ वहीं पढ़ाएंगे, उनको मैं बोल दिया हूं कि लगभग 200 क्वेश्चन आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार एक्साइज कांस्टेबल के लिए खासकर तैयार कीजिए, कि 200 क्वेश्चन लड़के पढ़कर जा जाए फार्मूला के साथ, तो वो आराम से 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और आपको साइंस में कम से कम 30 में से 25 से ऊपर क्वेश्चन सही करना होगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में भी आप 8 से ऊपर क्वेश्चन सही कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ टिपिकल जो आपको होते हैं जैसे कि लाभानी से है, चक्रवृद्धि ब्याज से है, प्रॉफिट लॉस से है, 3 क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिलता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एवरेज से क्वेश्चन, एज से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एकदम हाथ पर मैं गिना सकता हूं कि आपका 200 का 200 क्वेश्चन कहां से, लगभग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है जो कि आपके आराम से कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा। तो देखिए वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं 5-8 मिनट में बना पाऊंगा, बट समझा रहा हूं तो अच्छे से सोच रहा हूं समझा दो। अब बात आता है कि आपका पेपर हार्ड कौन करता है, तो इंग्लिश हार्ड करता है, बिहार के लड़के जो होते हैं या जो मतलब कोई भी अभ्यार्थी जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, बिहार के लड़के का कोई भी अभ्यार्थी जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, भाई इंग्लिश तो हार्ड लगेगा ही, लेकिन इंग्लिश में कुछ चैप्टर है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलर जहां पर भरने के लिए आपको आता है, इन होगा, फोर होगा, क्या होगा इसमें, ठीक, ऐसे भरने के लिए आता है, ऑफ होगा, एक आपको जो नरेशन से क्वेश्चन आपको आते हैं, साइनो एंटो से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको,
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो कि आराम से आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे, मतलब मैं इंग्लिश के लिए कोई ये चीज मैं नया नहीं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस सेट में लगाए होंगे तो आसान क्वेश्चन होता है, आप कर लीजिएगा। लेकिन इस समय आप देखिएगा क्वेश्चन जो होता है ये पोयम से दे दे रहा है, कहानी से अंदर कैरेक्टर दे दे रहा है, हिंदी में भी इसे मोही कर रहा है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे दे रहे हैं, तो वो सबके लिए हार्ड होगा। और मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि अभी आपको पूरा पोयम भर जाइए रटने के लिए 10 क्लास का 9 क्लास का, और आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में भी, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी और आपको इंग्लिश से मिलकर आएंगे, तो आपको कर लेना होगा। फिर हम बात करते हैं कि जीके का जनरल नॉलेज जिसे आप बोलते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, आसान क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग जैसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराता हूँ वो कर लेंगे, वन लीनियर जैसा मैं आपको कराने वाला हूँ वो कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं करा दूंगा आप लोगों को, तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा। बस आप लोगों से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपको वीडियो कैसा चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, मैं खुद ऑनलाइन आकर लाइव आप लोगों को कराऊँ, दोनों चीज़ के लिए आपको लिखना होगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। कम से कम 100 अभ्यर्थी लिखे तभी मुझे पता चल जाएगा, देखिए मैं कम से कम 100 अभ्यर्थी के लिए समय निकालता हूँ, कम से कम तो इतना लोगों को पढ़ा पाऊँ। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैं लाइव आकर आप लोगों का क्लास कराऊं या आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में डाल दूँ, रिकॉर्डेड करूंगा तो कभी रात को भी मुझे समय मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक। बट आप चाह रहे हैं लाइव आना तो मैं, मुझे कोई दुराय नहीं है, मैं जैसे आप लोग पढ़ना चाहेंगे मैं वैसे यूट्यूब आपको पढ़ाऊंगा, मैं यूट्यूब के लिए ही अब आ चुका हूं, पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने लिख के लिए ही आ चुका हूं, ठीक। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। तो 40 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को आसान क्वेश्चन ही मानकर रखिए, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आप सुनते हैं बस आपका प्रैक्टिस नहीं उतना होता है और आप गलत कर आ जाते हैं, तो उस टाइप से ही मैं क्वेश्चन सेट करूंगा कि आपके दिमाग एकदम मतलब लगे कि ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जब अभी जाइएगा तो आप क्वेश्चन कर आइएगा। आप जानते हैं कि जीके जीएस के जितने क्वेश्चन हैं, जीएस के लिए 2 घंटे दे सकते हैं, जीके के लिए यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल के लिए दो घंटे माफ कीजिएगा 3 घंटे दे सकते हैं, 6 है, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, करंट अफेयर हुआ और बिहार स्पेशल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे 6 आपको टॉपिक, 6 जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपको आधे आधे घंटे समय दीजिएगा, तब पर भी 3 घंटा आप समय दे सकते हैं, ठीक। और ऐसे कर आपके क्वेश्चन आते हैं, मुझे बस यही विश्वास आपको दिलाना है कि आप 85 स्कोर कर सकते हैं अगर पढ़ाई अच्छे से मन से कीजिएगा और स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलिएगा, तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ऐसे जो कम समय बचा हुआ है इसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठंडे का मौसम है, कहाँ जाइएगा बाहर घूमने के लिए, शाम को मात्र डालिए घूम लीजिए, सुबह में अगर टहलना है तो टहल लीजिए, दौड़ लीजिए, लेकिन ये आप रजाई में घुसकर जो यूट्यूब देखने वाले यूट्यूब देखिए, जो मोबाइल में स्क्रीन शॉट रखें मोबाइल में पढ़िए, जो क्वेश्चन जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर सोता हूँ, जैसे यहीं पर मैं सोता हूँ, बगल में मैं हमेशा एक बुक रखता हूँ, जब भी मैं यूट्यूब से भी कुछ भी चीज़ देखता हूँ जब मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं उसे नोट कर लेता हूँ उसी समय, और उसे रिवीजन भी कर लेता हूँ कुछ ही घंटों में, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक, और उसे समझ भी लेता हूँ, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। और जिस तरीका से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ जब समझाने लगूंगा तो बोलिएगा अरे सर तो ये तो बहुत ही आसान था, मैं गलती कर आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन सही कर सकते हैं वो सही करें, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर गलत आप कर देते हैं तो कम से कम आप समझिए कि 1 साल पीछे चले जाते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए गलत, क्योंकि अब मैं हजारों अभ्यर्थियों से बात करता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो आने वाला ही क्वेश्चन गलत कर दिया इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक। और बाकी जो आंसर वायरल होता है, पेपर लीक होता है सीएसबीसी से, ये बार बार ये बताया जा रहा है, जो अंदर ब्लूटूथ चल जा रहा है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उस सब के लिए आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, और उसके लिए मैं अलग से सेशन लूंगा कि क्या क्या आप लोगों को भी करना है, हमको भी करना है। और आपको पता है कि 4 जनवरी 2023 को आंदोलन होने वाला है, तो उसमें भी साथ दीजिएगा, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 जनवरी 2022 को दोपहर में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक एक चीज़ मैं समझा पाया हूं। अभी आपके पास समय है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये जब तैयारी बेस बना रहेगा कि आगे की जो बिहार पुलिस भर्ती आ रहे हैं उसमें भी ये आपको प्रॉपर काम आने वाला है, ठीक, यानी कि आपको 2-2, 3-3 रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट बच रहा है तो बताइएगा, क्वेश्चन 100 में 100 करना है, कोई भी नहीं छोड़ना, नेगेटिव नहीं है, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।